वेलकम स्टूडेंट। देखिए एमएस एक्सेल में आपको हम बहुत बड़ा एक डाटा बनाया है, जो डाटा को हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो पूरी तरह से कट जा रहा है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि हम पेज को कैसे सेटअप करेंगे। देखिए यहाँ पे हम डाटा बनाए हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे कंट्रोल प्लस पी दबा रहे हैं, तो देखिए पूरी तरह से आपको ये डाटा आधा कट जा रहा है। तो इस तरह के पेज को हम कैसे सेटअप करेंगे आपको हम इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको हम पूरी तरह से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूरा डाटा को ऑल सेलेक्ट करना है ना। पूरा डाटा को हम देखिए ऑल सेलेक्ट कर लिए, नीचे तक जाके सेलेक्ट करने के बाद अब वो क्या करना है, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ फिल्टर पे चले जाना है, सॉरी यहाँ फॉर्मेट सेल पे जाना है। फॉर्मेट सेल पे जाइएगा तो एक पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको अलाइनमेंट करना है, अलाइनमेंट पर क्लिक करके और यहाँ पर आपका श्रिंक टू फिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। अब इसके बाद देखिए जितना भी इसको कम कीजिएगा उतना आपका लेटर क्या होगा, छोटा होगा। देखिए जितना कम करेंगे उतना आपका लेटर आपको क्या होगा, छोटा होगा। अब इसको हम कंट्रोल पी दबा लेते हैं तो देखिए पूरी तरह से आपको यहाँ पेज में सेटअप होके आ गया है ना। तो इस तरह के वीडियो के लिए कंप्यूटर एक्सेल वालों को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।